हैं पिछले 2 दिन से जो यहाँ पे मसला बना हुआ है, जो हमारी बच्चियाँ पिछले 1 महीने में 4 बच्चियाँ जबरन उनका कन्वर्जन हुआ, परसों का वाक्य आपकी जानकारी में आया होगा, 18 साल 1 महीने की बेटी और अधड़ उम्र के आदमी के साथ उसका निकाह करके ये कहा गया जी कि उन्होंने मर्जी से किया है। और अफसोसजनक बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो निचले लेवल के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने भी वो इंसाफ नहीं दिया जो इंसाफ होना चाहिए था। बेटी के माँ बाप को कोर्ट में अंदर आने की इजाज़त तक नहीं दी, और जो वो अधउम्र का आदमी है उसके सारे रिश्तेदार कोर्ट के अंदर घुसा रखे ताकि बेटी के ऊपर और दबाव बनाया जा सके, और उसके बाद ये जस्टिफाई किया जाता है। ये किसी भी सूरत में हमारी कम्युनिटी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये मसला किसी एक बेटी का नहीं है, ये मसला हमारा कौमी मसला है। इस मसले के अंदर दुनिया भर के हमारी कम्युनिटी के लीडर्स वर्ल्ड वाइड जो हैं, उन लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर हमारे जथेदार काल तक साहब जो हमारी हाईएस्ट टेम्पोरल अथॉरिटी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए यहाँ के गवर्नर साहब को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने यह भी मांग की है हमारी बेटी तुरंत हमें वापस कराई जाए और ऐसा कानून भी लाया जाए जो जबरन हमारा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हमें आज इस बात का अफसोस है, दुख है। आज हम लोग अकेले बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काश अच्छा होता, मेजॉरिटी के लोग भी हमारे साथ बैठे होते, वो इस बात का दुख जाहिर करते, खेद जाहिर करते कि जो बच्चियों के साथ हुआ है हम ऐसा न्याय नहीं होने देंगे। मैं आप सब टीवी चैनल के माध्यम के लोगों से ये बताना चाहता हूँ, एक वो भी वक्त था मैं आपको याद करना चाहता हूँ, 2014 में जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो गुरुद्वारा बंगला साहिब से 50,000 लोगों का रोज खाना बनाकर हम खुद यहाँ लेके आते थे श्रीनगर में, फ्लाइट में खुद यहाँ मैं आता रहा हूँ इसी गुरुद्वारे में, वहाँ से 50,000 लोगों का खाना बनाकर लाते थे। जब देश के अंदर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कानून लागू हुआ और यहाँ की मेजॉरिटी की बच्चियों ने ये खदशा जाहिर किया कि उनकी खतरा है और वापस अपने स्टेट में अपने घर आना चाहते हैं माँ बाप के पास, तब हमारे सिखों ने लाखों रुपए की टिकटें खर्च के 55 से ज़्यादा बच्चियाँ जम्मू कश्मीर में वादी में सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाई और खुद साथ में लेकर आए, खुद लेकर आए। आप लोगों ने उसको कवर किया, तब सब लोगों ने फोटो चलाई। मैं आज उन बच्चियों के माँ बाप से हाथ जोड़कर ये पूछना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, मैंने वो वीडियो भी अपनी ट्विटर पर और फेसबुक पर शेयर की है, जब बेटी घर पे आई तो पिताजी कितने खुश हो रहे हैं, बेटी को भी गले मिल रहे हैं, और जब बच्ची बता रही है कि मुझे ये सरदार जी बचा कर लेके आए हैं, तब तो आप उस सरदार जी को भी गले मिल रहे थे। लेकिन आज मैं उन बच्चियों के पिता से पूछना चाहता हूँ, हमने तो आपकी बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझा, लेकिन जब हमारी बच्चियों की बात आई तो आपको पराई क्यों लग रही हैं? आज यहाँ के कोई मुफ्ती, कोई मौलाना, कोई पार्टी, जो हमारी यहाँ की पार्टियाँ हैं उनके नुमाइंदे भी कोई हमारे हक में नहीं बोल रहा? क्या हम केवल यहाँ पे अकेले हैं? क्या हमारे रिश्ते जो हैं नाम के हैं? क्या जो हम आपसी भाईचारे की बात करते हैं वो केवल नाम के लिए है? इसका मतलब ये बात को आज मान लिया जाए कि ये हमारे धर्म की बेटी जो हमारी थी बस, उसका बाकी धर्म के लोगों से वास्ता नहीं है, जो मेजॉरिटी कमेटी बेटी कम्युनिटी है वो इसकी कोई चिंता नहीं करती, ये अच्छी बात नहीं है। हमने मानवता की सेवा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, हम राह चलते कि भी अगर कोई हमें दिख जाए हम उसके लिए भी अपनी जान दे देते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे वो भी कहना चाहता हूँ, आज दुनिया भर में हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग हमें ताने कस रहे हैं, लोग हमें बेइज्जत कर रहे हैं ये कह के और खिलाओ और जाओ इनके घरों और जाके साथ दो। क्या आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देखें क्यों हम बेइज्जत हो रहे हैं? क्योंकि हमने मानवता की सेवा की और लोग हमसे ताने मान मान कर ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ना होता आप बताइए मुझे, अगर इन कुर्सियों पे यहाँ की मेजॉरिटी के लोग हमारे साथ बैठे होते जिनके साथ अपने हमने सब कुछ साझा किया, हमारी हम अपना परिवार समझते हैं, आज वो लोग इसका मतलब हो गया कि धर्म के नाम पर बटे हुए हैं।
वो अपनी धर्म के नाम पर अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ। बेटी बेटी है, जो लोग अपने घरों पे आज खुश हैं, मैं उनको ये याद करना चाहता हूँ, बच्चियाँ बच्चियाँ हैं। और आज तुम किसी की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है और तुम चुप बैठे हो, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और फिर तुम्हें उस दिन याद आएगा कि ये पाप मैंने किया था और पाप की मुझे सजा मिल रही है आज इस पाप की। हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम आपको ये भी बता देते हैं मेरे भाइयों, आज भी हम आपको जनतक तौर पर कह देते हैं, हमें जिसने गाली निकालनी निकाले, जिसने बुरा बोलना बोले, मेरे भाई दोबारा भी तुम्हारी बेटी हमें सड़क पर दिख जाएगी, हम अपनी जान दे देंगे उसके लिए, हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। मत सोचना कि हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि हमने अपने गुरु से यही सीखा है। कितना भी हो जाए, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बदलना आपको भी चाहिए, सोचना आपको भी चाहिए। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जो यहाँ की मौजूद पार्टियां हैं, जहाँ की रीजनल पार्टीज हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, आप चुप क्यों हैं? गुलाम नबी आज़ाद जी आप चुप क्यों हैं? फारूक अब्दुल्ला जी आप चुप क्यों हैं? जो मुफ्ती हमारी बहन है वो चुप क्यों हैं? मैं आज आपको एक बात याद करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो हार्डलाइनर लीडर थे, क्या नाम था उनका, गिलानी साहब का पूरा नाम क्या है, सैयद गिलानी जी ने अखबार में इतना बड़ा बयान दिया था। सैयद गिलानी जी, आपने अखबार में बयान दिया था, ये सिखों ने हमें आकर, दिल्ली कमेटी ने यहाँ पे आकर लंगर की सेवा हमारे लिए की, जब हमें जरूरत पड़ी, हम इनके एहसानमंद हैं। अरे भैया, वो एहसान कहाँ है? गिलानी साहब, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आज आप चुप क्यों हैं? आज ये लोग सब चुप क्यों हैं? मेरे भाइयों, ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है, और मत समझना ये पाप की सजा परमात्मा के घर में भी मिलेगी, जिन जिन्होंने पाप में भागी बने हैं, और जुडिशरी के भी जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो भी इसकी हिस्सेदार बने हैं। कल मुझे एक वकील फोन करके कह रहा था, आप ऐसे जुडिशरी का नाम मत दीजिए, आप पे मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे मैंने कहा, यार हमारी बेटी, जब हमारी इज्जत नहीं रही, मुकदमे से हम डरते हैं क्या? जेल में डाल दें, हम क्या डरते हैं? लेकिन गलत को गलत कहेंगे कहेंगे कहेंगे, हम उस जज के खिलाफ भी मिलेंगे। हमने आज चीफ जस्टिस साहब से भी टाइम मांगा है, जो निचली अदालत में जज ने बेईमानी की है, 18 साल की बेटी, और आप एक अदबड़े आदमी के साथ भेज रहे हैं, क्या आपकी आंखें में चश्मा नहीं है? क्या आपको दिखता नहीं है? बेटी के माँ बाप को अंदर नहीं घुसने देते? आप इतने बाइस्ड हैं? जुडिशरी के आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है? देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है? आपने धर्म की कसम नहीं खाई? आप बदल गए? अब आप कल्पना करके देखिए, मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कल्पना करके देखिए, इसी तरह 18 साल की बेटी यहाँ पे आपकी होती, और हमारे किसी 60 साल के आदमी ने उसके साथ शादी की बात की होती, हमारे लोग उसका मुंह काला कर देते। क्या मजाल है हमारे गुरुद्वारे में ऐसा कोई काम करने के लिए, बात भी रख के दिखा दे? क्या जरूरत है किसी के ऐसा काम करने की, कल्पना भी करके दिखा दे? ये कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, बर्दाश्त करेंगे? किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या, ये कानून और ये बातें सब, ये धर्म की बातें सब हमारे तक ही सीमित रह जाएंगी? इनकी चिंता कोई नहीं करेगा? हम अपने भाईचारे को बना के रखना चाहते हैं, हम गले मिलकर रहना चाहते हैं, पर गले मिलकर रहने के लिए, हाथ मिला के रखने के लिए, ऐसा नहीं संभव हो सकता कि आपकी उंगली और हम हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करें और आप उंगली आगे करो। ऐसे हाथ नहीं मिलाए जाते, ऐसे गले भी नहीं मिला जा सकता। हम आपसे आग्रह करते हैं, आज हम फिर उनसे कहते हैं, जितने भी यहाँ पे मौजिज़ हैं, बड़े लोग हैं धर्म के आगू, मैं क्योंकि भाई नेम ना तो जानता हूँ ना मुझे पता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के मौजिज़ लोग हैं, धर्म के आगू हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं, आज उनको आगे आना चाहिए। और अच्छा होता वो लड़की को लेकर खुद यहाँ पे आए होते, यहाँ पे आए होते कि हमारी घर की आपकी बेटी जो है, ये हमारी बेटी है, ये अमानत है हमारे परिवारों की, हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे, हम खुद लेके आए और उसको हमने मुर्गा बनाकर लाए, वो माफी मांग रहे हैं और ये बेटी आपकी है। कम से कम हम तो ऐसे ही करेंगे, और हम, मैंने पहले भी कहा, हम आगे भी नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे आगे।